तो चलो मिलते हैं आज उत्तराखंड के ऐसे शख्स से जो काफी बेहतरीन खाना खिलाने वाले हैं सबको, हेल्थी खाना। सर आपका शुभ नाम जान सकते हो क्या सर? मैं मेरा नाम राकेश गौड़ है। राकेश गौड़ जी आज क्या खिलाने वाले सबको आप? मैं खाने वाला हूँ, मैं तो अभी देख रहा हूँ सलाद से लेकर और ये पहाड़ी दाल से लेकर और अलग प्रकार के भाड़ू और अभी आपने थाली सजाइए, इसमें क्या क्या चीज आपने रखी है कुछ बताएंगे जरा सर इसके बारे में? तो अभी हमारे मित्र संजय जी आ गए, वो थोड़ा सा इनको बताएंगे क्या क्या चीजें इन्होंने आइटम रखा है, इनका क्या क्या आइटम जरा बताएंगे जरा थोड़ा सा। हमने फार्म रखा हुआ है। अच्छा, ये हमारा भात है। बिल्कुल जी। ये हमारा काबुली चना। ठीक है जी। ये हमारा दाल है। बिल्कुल जी। ये मीठा भात है। ठीक है जी। और ये खीर। अच्छा जी, अब एक चीज तो आपने छोड़ दी जो सबसे मेन है, पौधे की रोटी। क्या बात है, ये तो सबसे पहले आपने छोड़ दी, इसी के लिए तो हम पहाड़ से बड़े मिस करते हैं इसको खाने के लिए। तो काफी अच्छा बेहतरीन चीजें बताई इन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि आप उत्तराखंडी रसियाण में जरूर आकर इस चीज का आनंद लें, खाएं, और आप भी जरा कुछ बताएंगे कैसा कैसा अनुभव है आपका आज का? अनुभव तो बहुत अच्छा है। तो अभी कैसे अच्छा अच्छा इसमें प्यार मिला है नहीं मिला है आपने बताइए पहले? पूछो मत, भर के मिला है। अरे अरे भैया, फिर तो तभी मैं कहूँ यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, तभी मैं कहूँ इतनी भीड़ क्यों है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, इतनी क्राउड यहाँ पर है, पूरे देखो टेबल भी सजावट टेबल खा रहे हैं, और यहाँ फुर्सत नहीं है लोगों के पास आ रहा है। तुम्हें भी देख लो, आएगा यूके पहाड़ी ब्लॉग, यूके पहाड़ी ब्लॉग, ठीक है ब्लॉग सर। तो सभी लोग पूछे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बार खाना खाएं, और ये उत्तराखंड का बहुत शानदार बेहतरीन खाना है जिसको आपको दिखा रहे हैं करके सारे जो अपडेट है, और आइए यहाँ पर एक बार खाइए, एक बार इनको भी मौका दीजिए, बोलियो सब्सक्राइब करो, बोलो थैंक यू थैंक यू। चलो सर, काफी चीज देखने को मिल रही यहाँ पर भीड़, इतनी भीड़ तो मैं सोच नहीं सकता, लेकिन आज यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, और चलते प्रोग्राम धीमे धीमे करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और क्राउड का एक माहौल बना पड़ा यहाँ पर। हाँ जी, तो चले यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। अरे बाबू क्या कर रही है, क्या नाम है? मिस्टी। अच्छा दिस्टी मिस्टी। अरे वाह, तभी क्यों इतनी मीठी क्यों है किस्ती? अरे वाह 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 किस्ती, सही बताओ सही से बताओ सही से बताओ। सृष्टि, सृष्टि कहाँ रहती है? घर में रहती है ना, सृष्टि तो घर में रहती है भैया, सृष्टि घर में रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी, मैं चाहता हूँ कि सभी को अपडेट करूँ, और जितने भी उत्तराखंड के वासी यहाँ पर आए हैं एक बार नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हमारे ब्लॉग देखते सर? थैंक यू सो मच, आप ऐसे देखते रहे और उत्तराखंड से जुड़े रहे, और सर आप कुछ बताना चाहेंगे आज का कैसा है, यहाँ का कैसा माहौल रहा है आज का? अच्छा, मतलब कैसा आज का क्या होने वाला है, कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन बनाने वाले, तो अभी पता नहीं है, जब पता चलेगा तब। धामी जी आए, धामी जी तो मुश्किल आ सकते हैं, धामी अभी उत्तराखंड के थोड़ा लेकिन जो है आने वाले बहुत अच्छा लगता है, देखते रहे और अभी से बने रहे, और काफ़ी क्राउड यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ एक एक जगह और एक एक चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ खाने को मिलेगी शुद्ध और साग। हमारे जो पहले कहते हैं यार उत्तराखंड का एक और चीज़ ज़्यादा बहुत फेमस है, भुटुआ, हमारे जो कहते हैं पहाड़ का खाने वाला भुटुआ है वो देखते हैं, और यहाँ सेका जा रहा है भाई मंडवे की, मंडवे की रोटी सौंपी, क्या है मंडवे की रोटी, क्या है? अरे वाह भाई वाह, तो तुम पराठे खिलाने वाले सभी को यहाँ पर, सबको तंदुरुस्त बनाने वाले हो हैं आज, है घर ही जाने की जरूरत नहीं है, यही खिला दोगे? तो भी मैं कहूँ हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा घर बंजर क्यों पड़ रहा है, हैं दादा क्या होता है? तो देखिए किस प्रकार से ये भी बहुत चीज, क्या चीज बना रहे हैं बताएंगे जरा, ये अच्छा घोत का सूप, घैत बोलते बहुत जगह बहुत नाम है, तो ये घैत का सूप बहुत शानदार बहुत बेहतरीन है, हम तो घैत खाते ही रहते जी आप लोग चले जाए में, तो ये बहुत बेहतरीन घैत के जो है आपको खाओगे तो उसमें काफी आपको गर्माहट भी मिलेगी, साथ के साथ इसके अंदर आपको पथरी खिलाने वाली चीज मिलेगी, और बहुत चीजें हैं यहाँ पर देखने को आज इस कौतिक के अंदर। अभी पूछे क्या क्या चीज, क्या क्या चीज खाने वाले आप ये बताइए, बताइए क्या क्या खिलाने वाले हैं? अच्छा सभी खाओगे आप, देखो जी खिलाइए इनको, क्या क्या मांग रहे हैं, कोंडली का साग खिलाओ दे, घैत की दाल भी पिलाओ दे, सूप पिलाओ जरा इनको सभी लोगों, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर है, और चलते हैं यहाँ पर भी एक छोटा सा एक वो करते शूट, और पूछते हैं किस प्रकार से उन्होंने, एक हमारे भाई हैं यहाँ पर जो हमेशा यहाँ खिलाते रहते हैं बहुत शानदार भुटुआ। नमस्कार जी, कैसे भाई साहब, ठीक ठाक, आज क्या खिलाने वाले लोगों को?
अरे यार ये तो भुटवन का बहुत शानदार बहुत बेहतरीन यहाँ रखा हुआ है भुटवा भर के और साथ में दे रहे हैं दाल चावल। अरे वाह चावल के साथ और भुटवा, अरे वाह 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 तुमने तो मजे कर दिया भैया। तो अभी क्या रुपए प्लेट लगा रखी आपने बताएंगे जरा सा? अरे वाह ये तो 100 रुपीज में शानदार चीज दे रहे हैं घर में यार, दिल्ली जैसे में भुटवा मिल रहा था यार और वही बना हुआ और लोग यहाँ पे खा रहे हैं बड़ी शानदार से देखो ले रहे हैं। अच्छा अरे क्या बात है दीदी दोबारा क्या बात है भैया स्वाद इतना स्वाद आपको कैसा लगा फिर भी एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा बहुत टेस्टी है। तो क्या कहते हैं लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि आते रहे खाते रहे ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से खाओ है इनका भुटवा खत्म हो जाए अभी थोड़ी देर में तो काफी अच्छा होता है इस तरह से इनका भुटवा जो बहुत शानदार बहुत बेहतरीन है और आप एक बार जरूर आके यहाँ विजिट करें और एक बार जरूर खाएं और उस भुटवे का मजा लें क्योंकि आनंद वो भी आता है जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा बोलने से तो आनंद आता है। तो यहाँ पर भुटवा खाओ बहुत शानदार है इनका और हमेशा हमें मिलते रहते हैं और हम चाहते हैं इनको हमेशा रिकॉर्ड करें अपडेट करें और देखो हमारा एक सहयोग होता है इनके लिए भी कि अगर हमारे माध्यम से अगर कोई लोग देखकर यहाँ पर खाए तो उनको अच्छा लगता है। और काफ़ी क्राउड यहाँ नजर आ रही भीड़ तो यहाँ है ही बहुत और भीड़ जो देखने को मिल रही है यहाँ पर इस तरह की भीड़ मैं सोच ही सकता था कि यहाँ पर होगी। चलते आगे भी देखते हैं बातें करते हैं लोगों से। तो दोस्तों किदवाई नगर में पहुंच गए और यहाँ पर खाने को पहुंचे दिखे पीछे स्टॉल पूरे लगे हुए यहाँ पर कुछ बच्चे भी यहाँ पर खा रहे हैं पता नहीं क्या खा रहे हो तो मैं भी जाता क्या खा रहे बच्चों बताओगे दादा क्या खा रहे क्या खा रहे हो शर्मा रहे थोड़ा सा शर्माते शर्माते भी खा रहे हैं क्या खा रहे पूछते हैं जरा आप क्या खा रहे हो इसका नाम चाट पटेटो गलत अभी भी आपने गलत बोला इसका नाम। चलो जरा से बात करते हैं तो चलते बनाए के लिए तो उससे पूछते रहेंगे हम। अरे आप क्यों बताते वैसे भी सस्ता बोल देते हो यार तभी तो बच्चे नहीं बता पाते। अच्छा ये चीनी पटेटो आप खा रहे हो स्वाद आता है मंडे की रोटी में स्वाद आता है या मोमोज क्यों नहीं खाई आपके मम्मी पापा खाए ये बच्चे बोलते हैं देखो आज हमारे जो बीच में बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे उनसे पहले बात करते हैं उन्होंने बात की अच्छी बात है आज ये आप इनकी थोड़ी सी बुराइयाँ निकालते हैं कि क्या बुराई है इनके अंदर भैया क्या कमियाँ हैं। तो अच्छा आपको मम्मी ने कभी मंडू की रोटी नहीं खिलाई काली वाली रोटी खिलाई कभी काली वाली रोटी खिलाई आपको टाउ का रोटी खाई बोल काली रोटी खाई है लेकिन मंडू की रोटी नहीं खाई है देखो बच्चों को पता ही नहीं कौन सी रोटी अच्छा कोहरे की रोटी मतलब काली थोड़ी सी भाषा का जरूर फर्क है मंडुए की रोटी लिखे थे अच्छा अगला नाम है उसका जिसका इसलिए मैं काली रोटी वाली समझ गई ठीक है। तो कैसी लगती है आप लोग सब बच्चों को खाते हो ये तो मैं मना कर रही है मम्मी खिलाती नहीं अच्छा मंडुए की रोटी बोली अभी हमारे बीच में लड़की थी इसने बोला कि मंडुए की रोटी बताई तो इसको पता नहीं था और किसकी रोटी बताया तो जरूर पता था और किसकी रोटी और क्या खाया आपने उत्तराखंड बताइए अब हाईलाइट आप ही हो यहाँ पे आज इसकी देखो क्या बताएगी लड़के ये चिली बटर में खा लू नहीं थैंक यू थैंक यू। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं अपने उत्तराखंड से हैं लेकिन कभी कभी किसी चीज़ का नाम हमारे उत्तराखंड में अलग अलग डिफरेंट नाम से बोलो जरूर बोला जाता है कहीं कोहरे की रोटी बोली जाती है कहीं बोला जाता है ऐसे मंडू की रोटी कहीं आपने कभी वो खाया कभी भटुआ खाया कभी आपने तो भटुआ भी इस बच्ची ने नहीं खाया है भटुआ भी इसको खिलाना है और बच्ची को एक बार जरूर राधे राधे ये हमारी एक मिनट। अच्छा गुड़िया आप ये बताओ आपने क्या राधे राधे का वो कर रखा है क्यों नहीं खाते अच्छा मटन चिकन क्यों नहीं खाते आप मेरे को अच्छा नहीं लगता क्या लगता किसी को काट के नहीं खाना चाहिए ना क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए घी ना आती है अच्छी बात है। देखो यहाँ पर बच्चे जो हैं हमारे बीच में बैठे हैं और काफ़ी बेहतरीन है एक छोटा सा बच्चा और क्या नाम है ये तेरा क्या क्या बोल रहे हो क्या रहा है आप क्या अच्छा लग रहा है आपको
अभी सोच रहा है बच्चा, इनको नहीं पता है, ये खुद ही कंफ्यूजन है मैं बोर क्यों रहा हूँ नहीं पता। तो यहाँ पर हमारे भाई बंधु हैं जो इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया, छोटी छोटी बच्ची है इनको थोड़ा सा पता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जैसे नाम से बोला अपडेट किया, और जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आए हुए हैं भीड़ इतनी यहाँ भी हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग को उत्तराखंड की हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे को जरूर याद करना चाहिए। और अच्छा अगर यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर क्राउड है, भीड़ है, हमारे छोटे भाई बहन और यहाँ पर है, और अभी चल रहा है वहाँ नाच गाना, और क्राउड को दिखा दो एक बार। गाँव की इतिहास की बातें समझ में आती है तो अच्छा लगता है। इन्होंने तो खाया गोलगप्पे, तो मैं हंस रही हूँ, खूब खाई उन्होंने गोलगप्पे, यो तब भी हंसते आ रहे हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए क्राउड है, क्राउड है, और मैं चाहता हूँ कि भीड़ उतनी हो, लाइव हो, आप लाइव हो, कि लाइव हो, लाइव हो, लाइव राधे राधे। सभी लोग यहाँ पहुँचे और किस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन है, इस तरह से लग रहा था कि उत्तराखंड के लोग यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा नहीं आएंगे, और यहाँ पर पहुँचे सारे लोग, बट डिस्कशन जरूर चल रही है, बच्चों की भी जैसे काफ़ी भीड़ है यहाँ, क्राउड ज़्यादा अच्छी लगे, जिससे कि हमें औरतें ज़्यादा यहाँ पर पहुँची हुई है। अभी सोच रहे कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं यहाँ देखिए, अरे नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं, ठीक सा, अरे वाह, अरे वाह, ये तो चैची भग, ये कहाँ बैटरी जा गया, ये कहाँ बैटरी नहीं कहाँ जाएगा जी, ये मुस्कान काची है तेरे बेटी, हाँ यार ढूंढ में मिल गया, देखो तो यहाँ पर कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर लोग इतने सागर बेहतर सारे क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं, एक अच्छा माहौल बना पड़ा है, जिस प्रकार से ये किदवाई नगर के लोगों ने आज जो कार्य किया है, अच्छा किया है यहाँ पर, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर जितना भारी संख्या में यहाँ पर है, और दिखाते रहते हैं आपको कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी यहाँ पर एक दृश्य आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोच में रहते हैं, सोच विचार में थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमारे बीच आगे मोती किंडा बाहर बना हुआ है, जो आगे लोग बाहर नाच रहे हैं, और लेकिन असली यहाँ पर सिर्फ गाने गाने चल रहे हैं, लेकिन बाहर असली लोग नाच रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। हमारे बीच में मुझे लग रहा है आज ज्यादा माननीय श्री सच्चिदानंद शर्मा जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, Thank you.
तेरी खुशबू की रामाई, तेरी खसारी, तेरी खुशबू की रामाई, तेरी खसारी। घसारी तेरी भागुरी नकार, लीला घसारी तेरी खुशबू की रामाई, लीला घसारी तेरी खुशबू की रामाई, लीला घसारी। Yeah.